आंखों का पानी दिल की कहानी कहता है, कोई फसाना दिल में पुराना रहता है, कोई अपना या सपना है कुछ ना समझ पा हसीना, यहाँ पर ना गैर जरूरी बातें मत करना, चल। रानी बुआ, जैसा आप सोच रहे हैं ना ऐसा कुछ नहीं होगा, हम उन्हें खून बहा देकर लाए। हाँ भाई। यार सब दोस्तों से पूछ चुका हूँ उसके बारे में, किसी को कुछ मालूम नहीं है कि वो अचानक से अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ के क्यों चली गई। यार फारूक, मैं तो कुछ नहीं जानता उसके बारे में, कहाँ रहती है, कहाँ इस तरह अचानक से गायब हो गई। हाँ यार, और तुम उससे शादी के ख्वाब देख रहे थे। तो ये सोचा था यार, यूनिवर्सिटी खत्म होगी तो प्रपोज करूंगा उसे। अब कैसे करेगा प्रपोज? चल वो पुरानी कहानियों की तरह हवाओं के हाथ पैगाम भेज, कभी ना कभी तो मिल ही जाएगा। यार मजाक तो ना करना। मजाक नहीं कर रहा, डांस कर रहा हूं। चल क्लास का टाइम हो गया। अच्छे बच्चे हमेशा साफ सुथरे रहते हैं। बहु बेगम, छोटे साहब के ना ट्यूटर पढ़ाने आए। अच्छा मामा भाई, मुझे सिर्फ नौमी की बाजी से ट्यूशन पढ़ना है। क्यों सिर्फ नौमी की बाजी से ही क्यों पढ़ना है? क्योंकि नौमी हमेशा क्लास में फर्स्ट आता है। मुझे क्या हुक्म है? आप जाए, हम आते हैं। तो ये बात है, आपको सिर्फ नौमी की बाजी से ही पढ़ना है। एक काम करते हैं, मिल लेने में कोई हर्ष तो नहीं? आपके बाबा ने अपॉइंट किया है, कोई तो खास बात होगी उनमें। नहीं भाई, मुझे नहीं पढ़ना, मुझे सिर्फ नौमी की बाजी से ट्यूशन पढ़ना है। ओहो बाबा, एक दफा मिल लो, अगर अच्छा नहीं पढ़ाएंगे ना तो हम फिर से नौमी की बाजी के पास चले जाएंगे। ओके डन, पहले प्रॉमिस करें। पक्का प्रॉमिस। चलो चलो आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ही बिलाल के न्यू ट्यूटर हैं? जी। फराज, तुम कितने दिनों बाद मुलाकात हुई है, कहाँ गुम हो गए थे? गुम मैं हुआ था कि तुम? हम सब यूनिवर्सिटी फेलोज ने मिलके तुम्हें तलाश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम हो गए, गायब ही हो गई। बस अचानक ही डैड की तबीयत खराब हो गई थी, सिवेयर हार्ट अटैक। आई एम रियली सॉरी। सुन की ख्वाहिश पर तालीम, शौक सब कुछ छोड़कर पिया घर आबाद करना पड़ा। मामा अब मैं खुश हूँ, टीचर हम सबके फेवरेट हैं। अब तो मैं भी बहुत मुतमईन हूँ, आपके बाबा ने सही फैसला किया है। और भाई बिलाल मेरा सबसे फेवरेट स्टूडेंट। रियली? बैठे। अरे बिलाल आओ ना इधर मेरे पास बैठो। भाई बिलाल मैथ्स में बहुत अच्छा, बिल्कुल तुम पे।
अच्छा सियानी बुआ को भी अभी आना, बेइज्जती करा दी मेरी। बंदा कितना ही कहे उसे तकलीफ नहीं होती, लेकिन अगर कोई बेइज्जत करे ना तो दुख तो सबको एक जैसा होता है ना। फराज तू अभी तक वैसा ही है, बिल्कुल पत्थर। मैं ठीक कहती थी, तूने नहीं बदलना। बात सुन, कब तक सोचती रहेगी उसके बारे में? तुझे मुंह तो लगाता नहीं है। हसीना को ना कम न जान अम्मा, हसीना को लोग पलकों पे बिठाते हैं, ये मुंह लगाना क्या होता है ना उसके इतने जलील करने पर तेरी ये बातें। वाह भाई वाह, किसी की ना इतनी मजाल नहीं कि हसीना को जलील करे। तो मैं उससे मोहब्बत करती हूँ इसलिए बर्दाश्त कर लेती हूँ उसकी चीज। और अम्मा तू क्या जाने, मोहब्बत बिना महबूब की झड़कियां सुनने का मजा ही अलग होता है। अच्छा एक बात बता, तू उसकी इन झड़कियों के मजे कब तक लेती रहेगी भाई? जब तक ना वो हसीना को अपनी दुल्हनी बना लेता तब तक। हाँ ब्याह के ले ही ना जाए तुझे, बना ही ना ले अपनी दुल्हन। ना वो एक पढ़ा लिखा खूबसूरत जवान, और तू क्या है भाई, पांचवीं फेल। सिवाय खूबसूरती के है कुछ तेरे पास? खूबसूरती को ना तू कम नहीं जान, कभी कभी सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। तू खूबसूरती है जो काम आ जाती है। नबात सुन, जल्दी से चावल साफ कर और पका ले जाकर, मैं पानी भर के आती हूँ। तुम देखना मेरी शादी हो जाएगी उससे और तुम ऐसी मटका उठा के फिरती रहोगी। I'm sorry, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। फराज ये कैसे हो सकता है, फीस नहीं लेंगे तो आपका घर कैसे चलेगा? मासूमा मैंने बताया था जॉब है मेरे पास, मैं फिलहाल के स्कूल में टीचर हूँ। लेकिन इस बात के लिए एमर राजी नहीं होंगे। एमर साहब आएंगे तो उनसे मैं खुद माजरत करूँ। किस बात की माजरत? एमर ओह अस्सलाम वालेकुम जी, मैं फराज। एक्चुअली मैं मासूमा से कह रहा था कि मैं इनके बेटे को पढ़ाने के लिए ट्यूशन भी नहीं चार्ज कर सकता। दरअसल हम लोग यूनिवर्सिटी में साथ थे, इनफैक्ट क्लास फेलोज थे। आई एम सॉरी, कुछ अच्छा नहीं लगता इस तरह से फी चार्ज करना। आई होप यू अंडरस्टैंड। बेटी जी देखिए, आई डोंट थिंक कि ये कोई इतना बड़ा इशू है। आप बिलाल को ट्यूशन पढ़ाने आए और ये आपका हक है कि आपको आपकी पूरी फी वक्त पर दी जाए। लेकिन अहमद साहब मुझे ये सब कुछ नामुनासिब। जैसे आपको नामुनासिब लग रहा है आप समझ लें उसी तरह मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। सो लेट्स कीप इट वेरी प्रोफेशनल, लेट्स टेक इट फ्रॉम देयर। चल खैर इससे आनी बुआ, मैं तो तू कर ही चुकी है। कभी कभी जीतने के लिए हारने जैसी शक्ल बना सर झुकाना पड़ता है। अरे वाह ये तो कमाल ही हो गया। कैसा कमाल भाई, शादी हो चुकी है उसकी, जिस बच्चे को मैं पढ़ाने गया था ना उसी का बेटा है वो। खैर इससे आनी बुआ, मैं तो तू कर ही चुकी है। कभी कभी जीतने के लिए हारने जैसी शक्ल बना सर झुकाना पड़ता है। सीना
ना सुनो जी, बुआ को कहीं मेरी चाय नहीं है। आपको आते देखकर ही मैंने चाय का कह दिया था। थैंक यू। पढ़ने लिखने का यही फायदा होता है, बंदा अपने से अमीर लोगों में मजे से बैठ के बातें तो कर लेता है। इसे ही देख लो, लगता ही नहीं है ये हमारे गांव का है। इनमें बैठकर तो ये भी नहीं की तरह अमीर शमीर लग रहा है भाई। खैर हसीना भी कोई गई गुजरी नहीं है, दिल की बड़ी अमीर है। और पैसे का क्या है, आज किसी के पास है तो किसी से घूम के कल को हसीना के पास आ जाएगा। बेगम साहिबा आप मुझे कह देती मैं ले आती दवाई। नहीं, मामा के सारे काम मुझे अपने हाथ से करने में अच्छा लगता है। वाकई आप बहुत अच्छी बेटी हैं, सारे काम जिम्मेदारी से करती हैं। सब याद रखती हैं। कैसे भूल सकती हूँ, एक बार भूल गई थी, जान पर बनाई थी सारे घर वालों की। हाँ क्यों जी, क्या हुआ था? शुगर है ना, हमें हमारे खाने पीने का ख्याल रखना पड़ता है। हाँ ये तो है जी, हमारे गांव की जमीला दादी है ना, उसको भी शुगर थी, जरा सी देर में वो मरने वाली हो जाती। ऐसा नहीं कहते मामा, मैं बिलाल को देख के आती हूँ क्या कर रहा है। बेगम साहब आप ये खाएं ना। बेगम साहब एक बात बोलूं, आप लोग घर में चार लोग ही तो हो, वो भी शाम की चाय इकट्ठी बैठ के नहीं पीते। हमारे गांव में ना अम्मा हो दादी हो सब साथ बैठ के एक प्लेट में खाते हैं। अम्मा कहती है साथ बैठने से ना मोहब्बत बढ़ती है और बरकत भी मिलती है खाने में। लेकिन आप लोगों में तो शायद ऐसा होता ही नहीं है जी, सब इतना मसरूफ रहते हो ना, साथ बैठ के कुछ खाते पीते ही नहीं। अम्मा कहती है साथ बैठने से ना बड़ा सवाब भी मिलता है। कहती तो तुम ठीक ही हो, गांव की जिंदगी में और शहर की जिंदगी में बहुत फर्क होता है। हाँ जी आप भी ठीक ही कह रही हैं। ये सेब खाए ना, आपके लिए तो काट रही हूँ। अभी दवाई खाई है, अभी थोड़ी देर में खाई। ये बेगम साहिबा ये तो अच्छा है ना आपकी सेहत के लिए। अरे वाह ये तो कमाल ही हो गया। कैसा कमाल भाई, शादी हो चुकी है उसकी, जिस बच्चे को मैं पढ़ाने गया था ना उसी का बेटा है वो। देख मेरे दोस्त, तेरी ट्रेन जितनी स्लो चल रही थी ना, ये तो मुझे पता ही था कि तेरा स्टेशन छूटना ही था। तो चल छोड़ना यार, वैसे खुशी मुझे इस बात की है कि मासूमा खुश लग रही थी अपनी नई जिंदगी में। और तेरी अपनी खुशी उसका क्या, जो उसकी खुशी सो मेरी खुशी। बस यार बस, ज्यादा ड्रामा ना कर, अब अपनी खुशी भी देखनी होगी। वो जो एक हफ्ते पहले हम जहां गए थे ना लड़की देखने तुम्हारी भाभी के साथ, उसको तेरे लिए ओके कर रहे हैं। जी नहीं, भाभी उस लड़की को दिखाने मुझे धोखे से लेके गई थी। अब तो अच्छी तरह से जानता है मुझे, अब शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं। अरे यार तो क्या बुढ़ापे में सिरा सजाओगे? वैसे भी बड़े लोग कह गए हैं कि अगर बंदे का इंटरेस्ट अपने माजी में बढ़ जाए ना तो उसका हाल यतीम बच्चे जैसा हो जाता है। अच्छा यार अब फजूल बकवास ना कर मेरे साथ, जा रहा हूँ मैं। अरे सुन तो सही। अरे यार
क्या बेगम साहिबा तुझे गांव से यहाँ पे गुमसुम खड़ा करने के लिए लाई है? नहीं, तुम कहती हो तो मैं टहलने लग जाती हूँ। हसीना, अगर ये तुम अपनी जुबान पे कंट्रोल कर लो ना तो हीरा हो हीरा। सानी बुआ, अगर हमें किसी के दिल पे जादू करना हो तो उसके लिए क्या करना होता है? तुमने किसके ऊपर जादू करना है? है ना कोई, तुम तरीका बता दो अगर तुम्हें पता है तो। वैसे हसीना एक कहावत है, जुबान शीरी मलक गिरी, अगर ये तुम अपनी जुबान से कांटे हटा दो तो सबके दिल में फूल खिलेंगे। सबके दिल में नहीं खिलाने, मैंने उसे एक के दिल में खिलाने हैं फूल। उसके किसके? कोई नहीं है वो। एक तो तुम इतने सवाल करती हो सियानी बुआ, मुझे एक बात बताओ, शीरी जुबान के बदले में सामने वाले की जुबान पे कुत्ते बंधे हो और वो भी जंगली कुत्ते, तो फिर क्या करना चाहिए? फिर ना ऐसे इंसान को ना अपनी जिंदगी से ना दफा कर देना चाहिए, समझी? अरे ना सियानी बुआ, इसे कैसे दफा करूं? इसके दिल पे तो हसीना ने अपने नाम खोद कर ही रहना है, उसने चार जमातें पढ़ी होंगी, हसीना ने तो इसकी मोहब्बत की सारी किताबें रट रखी हैं। तो तू मेरी बात नहीं मानेगा, ऐसे ही मजनू बना रहेगा? ये कौन मजनू बना हुआ है? इस तरह का डिसेंट मजनू तूने कहाँ देखा? जब से तुझे देख रहा हूं ना, रोज मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो रही है। मान जा मेरी बात, अब कर ले शादी। देख वो भी घर बसा चुकी है, अब किसका इंतजार? यार सोचता तो हूँ लेकिन सच पूछ तो दिल नहीं मानता यार। देख मेरी जान, अगर दिल को हम मनाने पे लगाए रखेगा तो वो खुशी कैसे मनाएगा? वरना जालिम आदमी, तुझे पता है ना, अगर मोहब्बत में कोई आदमी नाकाम होके मर जाए तो हमेशा दुनिया में भूत बनकर भटकता है। पता था मुझे, मालूम था मुझे कि तेरी ये फजूल बकवास दोबारा शुरू हो जाएगी। ट्रस्ट नहीं, मुझे सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं। अरे रुक रुक, फिर चला गया। तुम यहां क्यों सो रही हो? क्यों, मुझे कोई बीमारी है जो मैं नहीं सो सकती? और वैसे भी बेगम साहिबा ने कहा था यहाँ बैठ जाओ सुकून से। बताया था बहू बेगम ने, तुम्हारे कमरे का ना पंखा ठीक करवा दिया है। बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हें ये इतला देने नहीं आई, ये बता रही हूँ कि बेगम साहिबा तुम्हें बुला रही हैं, पूछो जाकर क्या कह रही हैं। ले ये तो कोई आ बैल मुझे मार वाली कहानी हो गई, मैं खुद जाके उनसे पूछूं कि क्या काम है, मुझे थकने वकने का शौक नहीं है। वैसे भी ये शहर वालों का तो मुझे समझ ही नहीं आता मेहमानों से कोई इतना काम कराता है। हसीना बीबी, तुम यहाँ मेहमान नहीं नौकर हो। नौकर तो हसीना किसी की भी नहीं है, ये तो बेगम साहिबा से बस दिल लगा हुआ, इसलिए दो चार बातें सुन लेती हूँ उनकी, वरना हसीना सुनने वालों में से नहीं है। चल रही हो क्या गाड़ी बुलवाऊं? जाइए मैं आती हूँ। माँ मुझे नहीं पता, मुझे फरीद ने स्टोरी सुनाया। बिलाल आप तो जानते हैं ना, मुझे जिन्नों और परियों वाली स्टोरीज नहीं पसंद। इधर देखो, मैं आपको रियल हीरो बनाना चाहती हूँ, इसीलिए तो आपको रियल हीरोज की कहानी सुनाती हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना। ओ बिलाल इधर तो देखो, बेबी मम्मा से नाराज नहीं होते ना, अच्छे बॉय हो। बिलाल बिलाल, सियानी बुआ क्या है? जरा एक बात बताओ। सियानी बुआ वो ना कपड़े इस्त्री कर रही हूँ,
तुम मेरे साथ खड़ी हो जाओ, थोड़ी बातें बातें कर लो, मुझसे ना खामोशी में काम वाम ही नहीं होता है। मुझे ना तुम्हारी ये बकबक एक आंख नहीं भाती। सियानी बुआ, क्या है? मैं जब तुम्हारी सारी बातें सुनती हूँ मुझे तो नहीं बकबक लगती, फिर तुम्हें मेरी बातें क्यों बकबक लगती हैं? मेरी बात सुनो, मेरा मुंह मत खुलवाओ, फिर मुंह बना लोगी। नहीं सियानी बुआ, आज ना हसीना बड़ा खुश है, तुम जो भी बोलोगी ना मुझे बुरा नहीं लगेगा। वो क्यों? जब इंसान का दिल खुश होता है ना तो कोई उसे कुछ भी कह ले उसे बुरा नहीं लगता। वैसे खुश क्यों हो? अब उसे मैं रोज खुश रहूंगी। और एक बात तो बताओ, अगर आपको कोई पसंद आ जाए तो क्या करना चाहिए? शरीफ लोग तो शादी कर लेते हैं। और शादी करने के लिए रिश्ता करना पड़ता है? जाहिर सी बात है, कितना मुश्किल है। मेरा कौन सा सगा बैठा है इधर जो रिश्ते करेगा? अगर पता होता ये मनोज यहाँ मिल जाएगा तो अम्मा को साथ लेकर आती शायद। ये शैतान दिमाग क्या सोच रहा है? हसीना, लगता है तुझे अपना रिश्ता खुद करना पड़ेगा। वैसे तेरी हंसी बता रही है कि तू जरूर कोई चांद चढ़ाएगी। सियानी बुआ, हसीना ना खुद ही चांद है, और वो चांद जो हर वक्त चमकता रहता है। जिस तरह चमक रही हो ना वैसे कपड़े भी अच्छे इस्त्री करना, समझी? सियानी बुआ, ये कपड़े इसी इस्त्री से चलाऊंगा तुझे। जाना कल है और इस्त्री आज करा रही, जैसे आज ही पहन के तैयार हो जाएगी। गुड नाइट। कसम से फराज, मैं सच्ची मोहब्बत करती हूँ तुझसे। मुझे मोहब्बत से कोई सरोकार नहीं है, और वो भी किसकी? तेरी मोहब्बत। हसीना ने तो बताया आप शाम से आए हुए थे। जी मामा, वो बिलाल के जो ट्यूटर है उससे एक मीटिंग थी छोटी सी, फिर उस वक्त चाय पी तो ऑफिस से कॉल आ गई, मुझे जाना पड़ा। बस यही बात करनी थी। क्या बात मामा? शाम की चाय पीते हुए हम एक बात सोच रहे थे। कौन सी बात? यही कि हम सब किस कदर मसरूफ हो गए हैं, शाम की चाय भी एक साथ नहीं पी सकते। फिर हमने सोचा मसरूफियत की तो कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन जिंदगी की तो लिमिट होती है। अब ये बात हम आपको शर्मिंदा करने के लिए नहीं कह रहे, बस हम ये चाहते हैं कि ज्यादा नहीं थोड़ा टाइम आप हमारे साथ गुजारें। मामा, मैं अब से कोशिश करूंगा कि हम सब शाम की चाय साथ पिया करें। गुड नाइट। गुड नाइट। हमने अहमर से कह दिया है अब से हम शाम की चाय एक साथ पियेंगे। बेगम साहिबा, ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया है। वो कहते हैं ना, जब तक बच्चा ना रोए माँ भी दूध नहीं देती है। ये तो आपके फिर बेटे हैं, वो भी शादीशुदा। उफ़, हसीना, आप बात को कहां से कहां ले गई। हमारे बहू बेटा जान देते हैं हम पर। अल्लाह साईं करे बेगम साहिबा कि हमेशा ऐसे ही हो।
दिल बदलते ना देर नहीं लगती है। ऐसी बातें नहीं सोचते, बदगुमानी बहुत बुरी बात। नहीं नहीं बेगम साहिबा, मैं तो दुनिया वालों की बात कर रही हूँ, दुनिया वाले होते हैं ना ऐसे थोड़े से। नहीं बेगम साहिबा और साहब जी तो कितने अच्छे हैं, बिल्कुल हीरा है हीरा। ऐसे ही हैं वो। आप ना ये दूध पी लें, गरम गरम लेकर आई हूँ मैं, जब तक बाकी के काम देख लेती हूँ। सियानी बुआ कह रही थी कि हाँ जबान शीरी मुल्क गिरी, अभी ये भी आजमा के देख लूंगी। लेकिन उसने तो कहा था कि वो मेरी शक्ल ही नहीं देखना चाहता। चल कोई नहीं, पहली बार देखा है तो गुस्सा आ गया होगा ना। ढंग से तैयार भी नहीं हुई थी, कल ना हसीना अच्छे से तैयार होकर मनाने की कोशिश करेगी। कह दूंगी मुझसे ज्यादा तुझे कोई प्यार नहीं कर सकता। मामा आज मैं लंच बॉक्स नहीं लेकर जाऊंगा। ये छोटे साहब किस बात पे जिद कर रहे हैं? कुछ नहीं, ऐसी फजूल की जिद कर रहे। मामा आप मेरी बात नहीं सुन रही। अच्छा बताएं, मैं आपकी क्या बात नहीं सुन रही हूँ? मामा मेरे सब फ्रेंड्स के पास फेरीलैंड बुक है और वो कहते हैं कि रियल हीरोज नहीं होते। होते हैं बेटा, उन्होंने बुक्स पढ़ी हो तो उन्हें पता हो ना। वैसे बेगम साहिबा कभी कभी बच्चों की बात मान लेनी चाहिए। तुम्हें पता है ये क्या कह रहा है? पूरी बात तो नहीं पता, लेकिन बुक्स कुछ समझ आया है। मैं सब बच्चे जिम्बूत और शहजादों की कहानियां सुनते हैं और मामा भी ना। हाँ है बेगम साहिबा, बस इतनी सी बात? बचपन में ना मैं भी जिम्बूतों की कहानियां सुनती थी, बड़ा मजा आता था मुझे तो। मैं तुम्हें जिम्बूत की कहानी आती है? हाँ। हसीना देर हो रही है उसे, चलो बहन आ गई होगी। तुम्हें कितनी कहानियां आती हैं? मुझे इतनी कहानियां आती हैं कि तू सुनते सुनते जवान हो जाएगा। वाह मेट, फिर आप मुझे सुनाओ ना। अच्छा लेकिन जब तेरी मामा घर पे नहीं होंगे ना तब सुनाऊंगी। क्यों मामा के सामने क्यों नहीं? भाई तेरी मामा को ना पसंद नहीं है कि मैं तुझे कहानियां सुनाऊं, और तेरे चक्कर में तेरी मामा ने मुझे इस घर से निकाल दिया तो मैं तो इतने बड़े शहर में गुम हो जाऊंगी ना। नहीं मेट, मैं आपको घुमाने नहीं दूंगा। अच्छा तो फिर आज से तेरी और मेरी बातें तो किसी को बताएगा तो नहीं? नहीं। वादा? वादा। बहुत अच्छा बच्चा है तू, चल तू जा, मैं आके ना तुझे कहानियां सुनाती हूँ। ना उसके आने का टाइम हो रहा है, जल्दी किचन में जा। कहाँ जा रही हो? मैंने किधर जाना है, वो तो घर में कोई आ रहा है। जी कोई आ रहा है? कौन आ रहा है? बुआ अब कोई आएगा तो पता चल जाएगा ना, इतने सवाल क्यों करती हो? बहुत जुबान है भाई इसकी तो। ये क्या कर रही हो? मैंने सोचा आज ना पालक गोश्त बना लेती हूँ, सबको पसंद होता है ना, फिर टीचर जी भी खा लेंगे। बड़ी फिकर है, और तुम्हें कैसे पता कि टीचर को भी पालक गोश्त पसंद होगा? कैसी बातें कर रही हो बुआ, पालक और गोश्त तो सबको ही पसंद होता है ना, तो इसीलिए बना रही हूँ। अच्छा मेरा काम खत्म हो गया और मुझे लगता है कि टीचर भी आ गए,
क्या खुशी की खबर सुना दी बुआ, मैं दो मिनट में ही, बस दो मिनट दे, मैं दो मिनट में। और बात तो सुन, क्या पागल लड़की है, पता नहीं क्या सोचती है, चाय भी नहीं लेकर गई, और बेगम साहिबा ने ना मुझे डांट पिला देनी है। बिलाल ने काफी इंप्रूव किया है। बिलाल माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। सियानी बुआ जी, आप चाय लेके आइए। हसीना किधर है? जी वो किचन में नहीं थी, मैंने सोचा कि मैं दे आती हूँ। Excuse me, चाय पिया, मैं बिलाल को भेजती हूँ। जी। हेलो। मैंने कल भी तुझे कहा था कि दोबारा अपनी शक्ल मुझे मत दिखाई। तेरे लिए लाई हूँ। अब बता, इतनी इज्जत अफजाई काफी है या फिर मजीद तबीयत साफ करूं? कसम से फराज, मैं सच्ची मोहब्बत करती हूँ तुझसे। मुझे मोहब्बत से कोई सरोकार नहीं है, और वो भी किसकी? तेरी मोहब्बत। तू ऐसे क्यों बोल रहा है? मेरी मोहब्बत में कांटे लगे हैं क्या? कांटों की तकलीफ इंसान बर्दाश्त कर जाता है हसीना, लेकिन गुलाबों में छुपे सांप से कौन डसवाए? तू मुझे सांप कह रहा है? नहीं, मैं तुझे सांप नहीं कह रहा, क्योंकि सांपों के भी कुछ उसूल होते हैं हसीना। तेरे दिल में मेरे लिए कोई इज्जत नहीं है क्या? देख हसीना, इज्जत कमाने के लिए ना इज्जत वाले काम करने पड़ते हैं। जब तुझ जैसी नैन मटक्के करने वाली लड़की से तवक्कु करना नामुमकिन है। पर आज वो नैन मटक्के नहीं करती, मैं मोहब्बत करती हूँ तुझसे। बस कर दे हसीना, बस कर दे। तुझे खुद मैंने कितनी दफा देखा है लड़कों के साथ हंसी ठठोल करते हुए, अंगूठियां, पायल, पाजेब, लिपस्टिक, इन चीजों के लिए उनसे दोस्ती करना, शादी के वादे करना, वो सब नजर का धोखा था क्या? तो शरारत थी, बचपना था, तो चल भूल जाना, अब देख मैं सुधर गई हूँ। बस कर दे, बस कर दे। रस्सी के बल ना जल के भी खत्म नहीं होते। देख फराज, तू मुझे अपना लेगा ना तो मैं बिल्कुल सुधर जाऊंगी। ओ मेरा दिमाग खराब है जो अपने घर को तेरे वजूद से ग्रहण लगा दूं? नहीं नहीं, मैं तेरे घर को ग्रहण नहीं लगने दूंगी, तुझे बहुत सारा प्यार दूंगी। अपनी बकवास बंद कर, मैं तेरी तरफ देखना भी अपनी तौहीन समझती हूं, तेरा साया भी अपनी जिंदगी में पड़ने नहीं देना चाहता। तुझे कबूल करना तो दूर की बात है। जिन्हें उनके महबूब कबूल करते हैं में क्या बात होती है? वो लोग इज्जत वाले होते हैं, अपनी कदर आप करवाने वाले, तो जैसे। और मैं? तू? तेरी कोई औकात नहीं है मेरी नजर में। औकात क्या होती है? बराबरी का हूं, एक जैसा हूं, और तू ना तो मेरे बराबर है और ना ही मेरे किसी मायार पे पूरा उतरती। मुझ में क्या कमी है? तुम्हें कोई कमी नहीं, बल्कि बेगैरती की ज्यादती है। तुमसे बेहतर तो तवायफ होती जो कभी तो किसी एक की हो जाती है, तुम्हारी तरह दर दर नहीं। तू मुझे तवायफ कैसे कह सकता है? हाँ ठीक कह रही हो, मैं तुझे तवायफ कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि बहरहाल तवायफ की भी कोई इज्जत होती है, और तेरी तो वो भी नहीं।